नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर, अ गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन माय ओन मैटरनिटी हॉस्पिटल सिंस मोर देन 20 इयर्स। दोस्तों, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे और वो है वेट गेन आफ्टर द डिलीवरी। मतलब कि आपका वजन डिलीवरी के बाद जो इंक्रीज होता है उसको किस तरह से हम कम करें। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही चिंताजनक क्वेश्चंस रहता है और बहुत हर महिला जो डिलीवर हो जाती है, आइदर वो नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन हो, जब हम राउंड लेने के लिए जाते हैं, मतलब कि एक बार डिलीवरी हो गई, हम जब शाम को मिलते हैं या जब सुबह दूसरे दिन जब पेशेंट को हम चेक करते हैं, तो उनका क्वेश्चन यही रहता है कि मैडम, ये इतना सारा वेट गेन, ये इतना जो बड़ा मेरा पेट हो गया है, उसको हम कैसे रिड्यूस करें। तो वो एक बहुत चिंताजनक क्वेश्चंस रहता है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये आप पहले तो मान लीजिए कि जब भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है या सिजेरियन डिलीवरी होती है, तो 9 महीने जो आपने वेट गेन किया है, नॉर्मली 8 to 10 kg का वेट गेन इंक्रीज होता है। अगर आप पहले से आपका वजन ज़्यादा है तो आपका ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी हो गई, आपकी डिलीवरी हो गई, तो आपका 6 से 7 किलो वैसे भी वजन उतर जाता है करीबन 1 महीने में। जैसे कि आपका बच्चे का वजन 3 से 3.5 किलो का होता है, प्लेसेंटा का वजन होता है, यूट्रस का वजन होता है, तो वो जितना वजन है वो तो वजन उतरना ही उतरना है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी होती है, आपकी डिलीवरी होती है, तो आपको ये चिंता नहीं करना है कि हमारा वेट अब कैसे रिड्यूस होगा। आपका ज़रूर वेट रिड्यूस हो जाएगा अगर आप प्रॉपर डाइट करेंगे, आपकी प्रॉपर एक्सरसाइज होगी, तो आप जैसे पहले थे वैसे हो सकते हैं। अभी प्रॉब्लम ये रहती है कि जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ रहता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि हार्मोन्स की वजह से आपके वेट गेन ज़्यादा हो जाती है, आपके स्किन चेंजेस हो जाते हैं, आपके हेयर चेंजेस हो जाते हैं, तो ये जो हार्मोन्स होता है वो हार्मोन्स को लेवल में आपको लाने के लिए करीबन 1 से 1.25 महीना तक आपको वेट करना है कि जितने हार्मोन्स आपके बढ़े हैं वो हार्मोन्स लेवल में हो जाए। दूसरी चीज़ ये होती है कि आफ्टर द डिलीवरी एक आपको जो न्यूबॉर्न आपका जो बच्चा होता है, वो बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है, तो आपको खाना इस तरह से खाना है कि एक न्यूट्रिशन आपको अच्छे से अपने लिए भी मिले और अपने बच्चे के लिए भी मिले। आपकी डिलीवरी अगर नॉर्मल डिलीवरी हो गई हो या सिजेरियन हुआ होगा तो दोनों में स्टिचेस आते हैं, तो वो स्टिचेस को हील होने के लिए भी आपको प्रॉपर डाइट लेनी है, आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है, और आपको ये डाइट इस तरह से लेनी है कि आपका जो ब्रेस्ट मिल्क होगा उसकी क्वांटिटी भी अच्छी हो और वो आप बच्चे को प्रोवाइड कर सके, ताकि बच्चे का जो हेल्थ रहता है वो बच्चे का हेल्थ भी एक अच्छा सा हेल्थ रहे, उसको फिजिकली बच्चे की जो मैच्योरिटी रहती है, जो मेंटल मैच्योरिटी रहती है या डेवलपमेंट रहता है, वो आपके फूड के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। एक दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब नया बच्चा होता है तो उसको एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है, मतलब कि उसकी स्लीपिंग पैटर्न रहती है, उसकी जब वो हंगर, मतलब वो कभी भूख उसको लगती है कभी नहीं लगती है, तो वो पूरा एक जो वातावरण रहता है वो बहुत नया रहता है, और उसमें आपको ये भी टेंशन रहती है कि हम अच्छे से खा नहीं सकते, या फिर हम ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं तो हमको भूख भी बहुत लग रही है और इतना सारा वजन भी है, तो मैडम ये डाइट एक्सरसाइज करने का हमारे पास टाइम नहीं है। तो नेचुरली आपके पास टाइम तो नहीं होगा, मगर ये जो चीज़ें हैं, स्लोली स्लोली आपका वेट कंट्रोल हो जाएगा। तो आप जो इतना टेंशन ले रहे हैं, तो पहले तो मैं आप सबको एडवाइस देती हूँ कि 1.25 महीने आप टेंशन मत लो, आप अपने आप को एडजस्ट कर लो, अपने बच्चे के साथ एडजस्ट कर लो, आपका जो सब स्लीपिंग पैटर्न, ईटिंग पैटर्न जो अपनी डिस्टर्ब हो गई है, उसको पहले से लाइन में, मतलब एक सिस्टमेटिक लाने की कोशिश करो, तो वो सब कुछ होने के लिए आपको 1 से 1.25 महीना लगेगा। तो 1 महीने के बाद आपके स्टिचेस जो है, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आपके जो नीचे टाका लगे हैं वो उसका स्टिचिंग का हीलिंग भी हो जाएगा, आपके जो सिजेरियन हुआ होगा तो उसके स्टिचेस भी हील हो जाएंगे।
अभी 1.25 महीने के बाद क्या करना है कि जिसकी वजह से आपका जो वेट गेन हुआ है उसको हम नॉर्मल ला सकते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहले आप ये ध्यान रखिए कि डिलीवरी होने के बाद जो एक फैमिली में रिचुअल रहता है कि भाई बरसों से हम लड्डू खा रहे हैं या फिर घी ज़्यादा खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट ज़्यादा खा रहे हैं, तो आपको ये खाना ज़रूरी है, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारा घी खाओ, क्योंकि आपकी जो अभी एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा होती नहीं है, एक्सेप्ट आप बच्चे को जो दूध पिला रहे हैं वो ही रहती है। तो आपको ये देखना है कि आप फैट कम खाइए, मतलब आप पकड़ लीजिए कि पूरे दिन में 1.5 से 2 चम्मच फैट ले सकते हैं। आपको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेनी है, क्योंकि प्रोटीन एक आपको हीलिंग में भी हेल्प करेगा, आपके ब्रेस्ट मिल्क का जो क्वांटिटी रहती है उसमें भी आपको हेल्प करेगा, तो आपका बच्चा जो ब्रेस्ट मिल्क पी रहा है तो उसका ग्रोथ भी अच्छा से होगा। तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम लेना है, आपको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेनी है, जैसे कि आपकी दाल हो गई, सेंग चना हो गया, स्प्राउट्स हो गया, एग्स, फिश, चिकन, वो सब आप खा सकते हैं। और आपको ज़्यादातर पानी पीना है, क्योंकि पानी, आप जितना पानी पियेंगे तो वो एक नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। आप जितना पानी पियेंगे आपको यूरिनेशन भी उतनी होगी, आपके जो यूरिन का जो प्रॉब्लम होता है पोस्ट डिलीवरी इन्फेक्शंस वाले जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम्स भी आपके अवॉइड हो जाएंगे। और जितना आप पानी पियेंगे उतना ही आपका ब्रेस्ट मिल्क भी अच्छी क्वांटिटी में आएगा। तो एक है कि पानी की मात्रा ज़्यादा ले लीजिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फ्रूट्स आप ज़्यादा लीजिए, आप जितने हो सके जो जितने सीजनल फ्रूट्स हैं आप लेने की कोशिश कीजिए। और ये डाइट के अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है एक्सरसाइज। आपको धीरे धीरे एक्सरसाइज चालू करने की कोशिश कीजिए। हाँ, पहले ऐसा हो कि आप हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप योगा स्टार्ट कीजिए, आप स्लोली स्लोली सूर्य नमस्कार स्टार्ट कीजिए, जैसे कि आपके काउंट आज हमने 3 सूर्य नमस्कार किए तो दूसरे दिन बढ़ाकर 5 कीजिए, 10 कीजिए। तो इस तरह से आप अपने एक्सरसाइज को एक रूटीन बना दीजिए और अपने डाइट में थोड़ा सा कॉन्शियस दीजिए कि भी हमको अभी ऐसा फूड खाना है कि जो जिसमें क्वालिटी हो, जिसमें आपकी हेल्थ को वो केयर कर सके, अपने बच्चे की केयर कर सके। क्योंकि कई घरों में हमने देखा है कि जैसे डिलीवरी हो जाती है और बच्चे को जब ब्रेस्ट फीडिंग माँ करवाती है तो पूरे घर का प्रेशर रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा घी खाए और ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाए। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको क्वालिटी फूड खाने की ज़रूरत है, आपको एक एक्सरसाइज करने की खूब ज़रूरत अपने रूटीन में लाने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कहीं फीमेल्स ऐसा बोलता है कि भाई सीजेरियन हो गया है तो हमको क्या करना है, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, और वो अधिकतर ज़्यादा अपना समय खाली आराम करने में लगा देती है। तो आपको 1.25 महीने के बाद अपने को भूल जाना है कि आपको आपके इतनी सीजेरियन हुए, आपको इतने टाके आए हैं। आप अपने धीरे धीरे एक्सरसाइज चालू करिए, 15-20 दिन के बाद या 25 दिन के बाद आप हैवी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आप पूरे फ्लोर एक्सरसाइज कर सकते हैं, या आप अपना कोई छोटा सा योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, आप यूट्यूब देख के एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपने जो वेट गेन किया है वो ऐसे ही नहीं उतरने वाला है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दूसरी है कि आपकी जैसे डिलीवरी हो जाती है तो उसके 4th या 5th डे से आप अपना टमी को, आप एब्डोमिनल बेल्ट यूज़ कर सकते हैं या सिंपल साड़ी से, जो पहले के ज़माने से हम करते आ रहे हैं कि टमी को एक साड़ी के टुकड़े से या अपनी चुन्नी के चुन्नी से अपने एब्डोमिन को बांध सकते हैं। तो उसका एक कार्य, एक यूज़ ऐसा रहता है कि वो आपको एब्डोमिनल सपोर्ट देगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी रहता है। और उसका मतलब ये नहीं, क्योंकि कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि जो सिर्फ एब्डोमिनल फैट एब्डोमिनल बेल्ट लगा देते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हम एब्डोमिनल बेल्ट लगा देंगे तो मेरा पेट ऑटोमेटिक, मतलब कि जो एब्डोमिनल फैट है वो ऑटोमेटिक पतले हो जाएंगे और उनकी कमर पतली हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। तो एब्डोमिनल बेल्ट आपको लगाना है सिर्फ सपोर्ट के लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एब्डोमिनल फैट आपको, अगर आप खाना खा रहे हैं या आप सो रहे हैं तो तब भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके डिलीवरी के बाद आपको नॉर्मल रूटीन में आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं वो जानने की ज़रूरत है। आपको एक्सरसाइज को रूटीन में लाने की बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये दो चीज़ बहुत अच्छे से कर ली तो
तो आप अपने शेप जो अपना आपका जो वेट गेन हुआ है 10 से 12 किलो का वजन बढ़ गया है उसको आप नॉर्मल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई अपने पोस्ट डिलीवरी के वेट गेन की बात। हम दूसरे वीडियो लाने वाले हैं जिसके अंदर आपको कौन से योगा करने हैं डिलीवरी के बाद, उसके बारे में हम एक्सपर्ट को योगा एक्सपर्ट को लेकर आएंगे। तो आप वीडियो देखते रहना और अपने ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन ज़रूर दबाना, तो आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। दोस्तों थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू सो मच।